जय हिंद। देखिए ये मेरा वीडियो इथी का काम सिखाने के बारे में है और ये मेरा पुराना वीडियो है, बहुत पॉपुलर वीडियो है और कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि इसको अपडेट करिए और इसमें कुछ कमियां थी वो मैंने निकाल कर इसको अपडेट किया है। तो ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि सबका जीवन लगभग सेम होता है और जो मेरे साथ घटा वो आपके साथ भी घट रहा होगा या ज़रूर घटेगा अगर आप इथी का काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे मामा, मेरे ताया या मेरा कोई भी रिलेटिव, मेरा फ्रेंड वगैरह मेरे को काम सिखा देगा जल्दी तो मैं एक ही सीज़न में काम सीख जाऊंगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। उसका रीज़न ये है कि आपका दोस्त, आपका चाचा, मामा, जो भी आपका रिलेटिव है, अगर आपको काम सिखाएगा तो उसके काम की स्पीड स्लो हो जाएगी जिससे उसकी इनकम कम होगी, तो वो आपको जल्दी काम नहीं देगा हाथ में, वो अपने हाथ से ही काम करेगा और जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं करोगे आपको काम नहीं आएगा आसानी से, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा, ये है रीज़न। अगर वो आपको मुंह से बताएगा भी तो भी आपको काम नहीं आएगा, एक रीज़न ये हुआ। दूसरा रीज़न, आप अगर कहीं दूसरी जगह सीखोगे तो वो आपको काम इसलिए नहीं सीखने देगा कि आप जैसे ही काम सीखोगे आप छोड़कर या तो कंपनी में चले जाओगे या फिर अपना काम कर लोगे, तो इसलिए दो रीज़न से आपको कोई भी काम नहीं सिखाने वाला जल्दी। और तीसरा रीज़न ये है कि जब आप कस्टमर के घर जाओगे तो कस्टमर आपको काम करने ही नहीं देगा, वो आपको समझ जाएगा कि मैकेनिक आपको गाइड कर रहा है, आपको काम नहीं आता, तो वो छुट्टे ही बोलेगा कि अरे यार ये एक्सपेरिमेंट यार कहीं और कर लेना, कहीं और सिखा देना, प्लीज़ यार एसी में कुछ होना जाए, आप मेरा एसी यार आप ही कर दो, तो आपके हेड मैकेनिक को काम करना पड़ेगा, वो फोर्स नहीं कर पाएगा कि सर जी मैं खड़ा हूँ या ये है वो है, क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है, मैं आप बीती बता रहा हूँ। लेकिन मुझे काम सीखना था, मुझे लगन थी, मैंने गैस किस तरह से काम करती है बुक खरीदी थी रेफ्रिजरेशन थ्योरी की, उससे सीखी, पूरी पूरी रात पढ़ी, उसको समझी कि गैस किस तरह से काम करती है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो सबसे पहला स्टेप है। आप अगर एसी का काम सीखना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले एसी की वर्किंग पता होनी चाहिए। अगर आपको एसी वर्क पता होगा कि किस तरह काम करता है तो आपको कोई काम सिखाए या ना सिखाए आप खुद समझ जाओगे कि एसी इस तरह से काम करता है, ये फॉल्ट आ रहा है तो मतलब यहाँ प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। तो मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू इस तरह से काम सिखाने वाला हूँ कि आपको एक एसी का काम सिखाऊंगा और आपको हर कंपनी के एसी का काम आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये है काम सीखने का तरीका। एक चीज का खास तौर से ध्यान रखना है, सबसे पहले होती है सावधानी, तो आपको सीखनी है सावधानियां। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसी का काम करते वक्त आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। और सीजन ऑफ आ चुका है, जैसे कि अब आपको एसी का काम कहीं सीखने के लिए नहीं मिलने वाला है, आप एक एसी खरीदना मेरे कहने पर, जब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एसी खरीद लीजिए, उस एसी पर मैं आपको यहीं से सारा काम सिखाऊंगा और आप जहां भी आपका आपको सीखना है वहां पे आप उस एसी पे एक्सपेरिमेंट करके काम सीख सकते हैं। और एक गारंटी है कि एक ही एसी का सिखाऊंगा और सारे एसी रिपेयर कर पाओगे, क्योंकि मैंने भी एसी सीखा है। मुझे तो खास तौर से ऊपर से ऑर्डर थे कि उन्हें पता चल गया था ये लड़का काम सीखते ही अपनी दुकान खोलेगा, मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने ये बोल दिया वहाँ पे कि मैं तो सर काम सीख के अपना काम करूँगा, तो उन्होंने स्पेशली मेरे को ऑर्डर दिया था कि कोई भी बंदा इसको हाथ नहीं लगाने देगा, इसको काम नहीं देगा हाथ में, बट मुझे सीखना था तो मैंने फिर भी सीखा, वहीं से ही सीखा और उसी जगह से, और मात्र एक सीजन में सीखा, अगले सीजन में मैंने अपना काम डाल लिया था। तो जिस तरह से मैंने एक सीजन में काम सीखा है वही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक सीजन में कैसे काम सीख सकते हो। एसी का काम कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। तो सबसे पहले आप रेफ्रिजरेशन की थ्योरी सीख लीजिए कि गैस किस तरह से काम करती है। ये पैटर्न पूरा नहीं है पर रेफ्रिजरेशन में जो गैस काम करती है वो यही है। इसके बाद मैं अगला डायग्राम बनाऊंगा, उसमें ए टू जेड चीज आपको बताऊंगा कि एसी में क्या क्या होता है और किस किस लिए होता है और किस किस चीज का क्या क्या काम है, बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, फुल्ली डिटेल्ड। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा आप नीचे कमेंट करना कि सर जी मेरे को ये समझ नहीं आया, समझ रहे हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर मुझे लगेगा रिप्लाई में नहीं समझा पा रहा हूँ तो आपको मैं वीडियो बनाकर उसका लिंक भेजूंगा कि सर जी ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, आप यहाँ से समझ लीजिए। तो आप सबसे पहले मेरी ये वीडियो देख लीजिए, गैस काम कैसे करती है। पहले जानते हैं वो कौन से पार्ट हैं जो एसी को कूलिंग बनाने के लिए सहायक होते हैं, जिनकी आवश्यकता होती है कूलिंग बनाने के लिए। कूलिंग बनाने के लिए हमें मशीन में 6 पार्ट्स की ज़रूरत होती है। इनमें सबसे पहला पार्ट होता है हमारा कंप्रेसर और दूसरा पार्ट होता है हमारा रेफ्रिजरेंट जिसे हम गैस कहते हैं और तीसरा होता है कंडेंसर और चौथा है हमारा फैन, पांचवा है हमारा कैपिलरी या एक्सपेंशन वाल्व और छठा है हमारा एवोपरेटर मतलब कूलिंग कॉइल या फिर कूलिंग कंडेंसर। तो ये वो 6 मेन पार्ट है जिनसे
कूलिंग बनाई जाती है, जिनका उपयोग कूलिंग बनाने के लिए करा जाता है। अब यहाँ से हम एक चार्ट के जरिए देखते हैं कि ये सब पार्ट्स जो हैं किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ ये हमारा वो चार्ट है जिसके जरिए हम समझने वाले हैं कूलिंग किस तरह से होती है। तो ये है डायग्राम कूलिंग के प्रिंसिपल का। इसमें मैंने 6 आइटम जो है अपने दिखाए हुए हैं, तो मैं बता देता हूँ। ये हमारा कंप्रेसर है पहला आइटम, और ये रेफ्रिजरेंट है हमारा दूसरा आइटम, जो कि पूरे एसी में हर जगह पर होती है। जितने भी पाइप एसी के अंदर लगे हैं सबके अंदर ये गैस जो है घूम रही होती है। उसके बाद तीसरा पार्ट है हमारा कंडेंसर, ये हमारा कंडेंसर है ये। और उसके बाद चौथा था हमारा फ़ैन। फ़ैन डबल साइडेड होता है या दोनों तरफ लगाना पड़ता है। तो ये हो गया फ़ैन। और पांचवा है हमारा कैपलरी, और छठा है हमारा एवोपरेटर, जिसे लोग कूलिंग कोयल और कंडेंसर भी कहते हैं, कूलिंग कंडेंसर। तो ये 6 आइटम मिलकर ही जो है हमारा कूलिंग बनाते हैं। अब इनमें सबसे पहला जो वर्क शुरू होता है वो होता है कंप्रेसर से। जब कंप्रेसर हम शुरू करते हैं तो गैस को, जो रेफ्रिजरेंट है हमारा, उसको वो यहाँ कंडेंसर में कंप्रेस्ड कर देता है, जिससे कि गैस कंडेंस्ड हो जाती है और हमारी जो गैस है वो लिक्विड में बदल जाती है। तो ये हुआ कंप्रेसर का काम, गैस को लिक्विड में बदलने में सहायता करना और गैस का साइकिल करना। इसके बाद हमारा काम करता है कंडेंसर। कंडेंसर में गैस कंडेंस होएगी, लिक्विड बनेगी, और उसकी हीट निकालने का काम जो है ये कंडेंसर करेगा। और इसकी हीट निकालने में जो है हमारा फ़ैन जो है ये मदद करेगा, बाहर से एयर खींचेगा यहाँ से और कंडेंसर के बीच से इधर निकाल देगा, जिससे कि क्या है गैस का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। उसके बाद जब गैस लिक्विड में बदल जाएगी, यहाँ पर हमारे पास गैस होगी लिक्विड फॉर्म में, और उसके बाद ये कैपलरी से रिलीज होगी। यहाँ पर कैपलरी क्या काम करेगी, जो कंडेंसर में गैस है हाई प्रेशर्ड गैस जो है उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करेगी, जिससे कि कूलिंग बनती है। रेफ्रिजरेंट की ये खास बात होती है कि जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट होता है तो ये कूलिंग जो है वो बना देता है, गैस जो कूलिंग बना देती है। तो कैपलरी का एक काम ये भी है, जो कंडेंसर में गैस हाई प्रेशर होती है वो कैपलरी के ही वजह से होती है, क्योंकि कैपलरी का सुराग बहुत छोटा होता है। कंप्रेसर के जरिए जो कंडेंसर में गैस भेजी गई है वो कैपलरी का साइज छोटे होने की वजह से पूरी तरह रिलीज़ नहीं होती, बहुत कम मात्रा में रिलीज़ होती है, जिससे कि क्या होता है गैस पीछे कंडेंसर में ही इकट्ठी होती रहती है, जमा होती रहती है, क्योंकि कंप्रेसर गैस ज़्यादा मात्रा में भेजता है और कैपलरी उसको बहुत कम मात्रा में रिलीज़ करती है, जिससे कि क्या होता है वो कंडेंसर में कंप्रेस हो जाती है, कंडेंस्ड हो जाती है। और इसको करने में जो है ये कैपलरी ही मदद करती है, इसी वजह से वो लिक्विड में बदल जाती है। तो कैपलरी का ये काम भी, जो कंप्रेसर का ये काम है लिक्विड बनाने वाला गैस को, ये कैपलरी इसमें मदद करती है इस काम में। इसके बाद हमारा रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड फॉर्म में है वो कैपलरी से रिलीज होके फाइनली एवोपरेटर में पहुँचेगा। तो एक छोटे पाइप के जरिए रिलीज होगी और एक बड़ी स्पेस में आएगी। तो छोटी जगह से बड़ी स्पेस में जब आएगी तो गैस खुलने लगेगी, उसका कंप्रेशन ख़त्म होने लगेगा, वो डीकम्प्रेस हो जाएगी। मतलब इस गैस की खासियत यह है कि जब ये डीकम्प्रेस होती है तब ये कूलिंग जनरेट करती है, मतलब कूलिंग बना देती है। जैसे कि गैस मान लीजिए यहाँ से आई थी जब ये 40 डिग्री सेल्सियस की थी, ठीक है, या 50 डिग्री सेल्सियस की थी, लेकिन जब ये यहाँ पर रिलीज होगी तो ये इतनी कूलिंग बना देगी कि -2 डिग्री -40 डिग्री तक भी चला जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इसकी खासियत होती है कि जब इसको कंप्रेस करेंगे तो ये गैस गर्म हो जाएगी, और जब इसको डीकम्प्रेस करेंगे तो ये ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हमारी गैस का डीकम्प्रेशन होता है उसकी वजह से जो हमारा एवोपरेटर रहता है ये पूरा ठंडा हो जाता है, ठीक है। और जब इस एवोपरेटर के अंदर, मतलब कूलिंग कोयल के अंदर से हमारी जो ये रूम एयर है अंदर से गुजरती है, तब ये एवोपरेटर की जो टेम्परेचर होता है उसको बढ़ाने लगती है। जैसे मान लीजिए -2 डिग्री चला गया और उसके अंदर से एयर गई तो वो बढ़कर 18-20 डिग्री हो गया, मतलब एक तरह से गैस जो है वो हमारी अब गर्म हो गई, क्योंकि 2 से वो 18-20 डिग्री तक की, 25 डिग्री तक की हमने
उसको गर्म कर दिया गैस को, ठीक है, और जो रूम एयर थी वो ठंडी हो गई, एयर ने खींच और फैन ने उसको खींचा कमरे में कूलिंग कोयल के बीच से और बाहर निकाल दिया रूम में, तो रूम ठंडा होने लगा और गैस हमारी गर्म होने लगी। अब मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारी गैस होती है ये लगभग -40-51 डिग्री तक की ऐसी ऐसी गैसें आती हैं जो माइनस में वेपर में बदल जाती है। तो जो गैस थी हमारी वो अब लिक्विड फॉर्म से वेपर में बदल गई है, समझ में आ रहा है, एक तरह से मान लीजिए स्टीम बन गई है। अब जो वो गैस है हमारी वो यहाँ से जाएगी सक्शन होते हुए, हमारा कंप्रेसर उसको सक कर लेगा और वापस से बैक कंडेंसर में भेज देगा, ठीक है। जब कंडेंसर के अंदर वो आएगी तो गैस हमारी किस फॉर्म में होगी, वेपर में। मैंने आपको बताई थी ना कि जब गैस हमारी वेपर फॉर्म में होगी तब वो यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर अधिकतम गैस इकट्ठे होने की वजह से वो क्या है, कंप्रेस होने लगेगी, उस पर दबाव होने लगेगा, यहाँ पर प्रेशर 300-400 चला जाता है हमारे एसी का, जिसकी वजह से गैस हमारी लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है। और जो वो हीट हमारी कंप्रेसर लेकर आई है उस हीट को इस फैन के जरिए कंडेंसर के बीच से निकाल कर ठंडा कर दिया जाता है, गैस का टेम्परेचर कम कर दिया जाता है। और देखिए ये जो कूल गैस हमारी यहाँ से आई है 18-20 डिग्री, इसको हम हीटेड फॉर्म मानते हैं रेफ्रिजरेशन की थ्योरी के अंदर, क्योंकि ये कमरे में जिस टेम्परेचर पे गई थी उससे अधिक टेम्परेचर पे आई है, ठीक है। और यहाँ पर जो गैस है हमारी, यहाँ पर हम उसको ठंडी मानते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर गैस हमारी आई थी 80 डिग्री, हमने उसको बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा ठंड करा तो ठंडा कर दिया, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर हम उसको गैस को ठंडा मान लेते हैं। तो ये रेफ्रिजरेशन थ्योरी में थोड़ा सा उल्टा सुलटा है बोलने में, लेकिन साइकिल यही चलता है, यहाँ पर गैस डीकम्प्रेस होती है, यहाँ पर कंप्रेस होती है, यहाँ पर डीकम्प्रेशन से कूलिंग बन जाती है और यहाँ पर कंप्रेशन से हीट जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से बाहर के एटमोसफेयर से ज़्यादा हीट हो जाती है गैस की, तो जो बाहर अंदर से हम हीट उठा कर लेकर गए हैं वो हम बाहर की एयर में निकाल पाते हैं, ठीक है। इसलिए गैस को कंप्रेस भी करा जाता है दो रीज़न से, एक उसकी हीट बाहर की एटमोसफेयर से ज़्यादा हो जाए और दूसरा उसको लिक्विड में कन्वर्ट करा जा सके। क्योंकि देखिए गैस को जो लिक्विड में कन्वर्ट करने का रीज़न ये है कि जो गैस लिक्विड से वेपर जब डीकम्प्रेस होती है ये वहाँ पर कूलिंग बनाती है, समझ रहे हैं आप, मतलब जहाँ पर लिक्विड होगा वहाँ कूलिंग बनेगी। आप अगर गैस के सिलेंडर को है ना सीधा खड़ा करके खोल देंगे तो आप देखेंगे ऊपर से एयर निकलेगी और नीचे से आपका सिलेंडर बिल्कुल बर्फ हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिलेंडर को उल्टा कर देंगे तो आप देखेंगे जहाँ पर गैस हमारी लिक्विड फॉर्म से निकल रही है वहाँ पर कूलिंग हो रही है, सिलेंडर हमारा ऊपर से ठंडा नहीं हो रहा है, बाहर कूलिंग हो रही है, समझ में आ रही है। तो ये गैस की खासियत है और इसी चीज़ का जो है वो फ़ायदा उठाया जाता है कूलिंग के अंदर। बस गैस यही करती रहती है, चलती रहती है, कंप्रेसर उसको गोल गोल घुमाता रहता है और यहाँ पर ठंडा यहाँ पर गर्म करके कूलिंग बनाता रहता है। और देखिए कुछ लोगों ने पिछली बार वीडियो में कहा था कि आपने इसमें फ़िल्टर नहीं लगाया, तो मैं आपको बताऊं फिल्टर यहाँ पर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कैपलरी का जो होल होता है वो बहुत बारीक होता है, कैपलरी में कचरा ना आए, उसका मुंह बंद ना हो जाए, इसलिए फ़िल्टर लगाया जाता है। अगर फिल्टर ना भी हो तब भी एसी कूलिंग करेगा, बस शर्त यह है कि कैपलरी के मुँह पर कुछ अड़ना नहीं चाहिए, उसका मुँह का साइज जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। और देखिए बात, एक भाई साहब ने कहा कि आपने इसमें बिजली नहीं दिखाई, पीसीबी नहीं दिखाई, तो भैया रेफ्रिजरेंट थ्योरी के अंदर इन्हीं 6 चीज़ों के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, और पीसीबी तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंप्रेसर को घुमाने के लिए होती है। आप कंप्रेसर को बैल से घुमा दो, हाथ से घुमा दो, इलेक्ट्रिसिटी से घुमा दो, तब भी कंप्रेसर घूमेगा तो कूलिंग बनाएगा, रीज़न यही है। फिलहाल 6 ये चीज़ें हैं जो मेनली रेफ्रिजरेशन थ्योरी के अंदर बताई जाती हैं कि किस तरह से कूलिंग करी जाती है। आप गूगल सर्च कर लो, कहीं भी कर लो, आपको यही 6 पार्ट मिलेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए किस तरह से कूलिंग होती है, कमरे की हीट गैस उठाती है और बाहर के एटमोसफेयर में प्लस करके छोड़ देती है, कमरे से माइनस करती है, बाहर प्लस करती है, तो ये हीट ट्रांसफ़र होती रहती है, ना ही कहीं हीट बनती है ना ही कहीं कूलिंग बनती है, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रहता है, बस ये कन्वर्जन का काम है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, ये रेफ्रिजरेशन थ्योरी है। देखिए आज की वीडियो में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, एक ही देखिए हमारा चैनल काफ़ी पुराना हो चुका है और इस पर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि काम जो है हमें प्रैक्टिकल के जरिए समझाइए या फिर अपने यहाँ एक क्लासरूम के जरिए समझाइए। देखिए इस सब में ना पैसा खर्च होता है और जो कि हमारा अभी इतना बजट नहीं है कि हम आपको
क्लासरूम के जरिए या फिर काफी सारे एसी खराब करके, गैस खराब करके या कुछ और जो इक्विपमेंट होते हैं जो जरूरत होती है वो सब खराब करके आपको काम सिखा सकें। और इस यूट्यूब चैनल से देखिए कोई अर्निंग नहीं है अभी हमारी, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से ही आपको काम सिखाया जाए, तब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप ये जो मेरा नंबर है, फ़ोन पे नंबर है, आप इस पर अपनी तरफ से जो डोनेशन आप दे सकते हैं वो दीजिए। बाकी जो लोग चाहते हैं कि कुछ लोगों का भला हो जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, उनको रोजी रोटी मिले और उन लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर हमें एक अच्छा सा डोनेशन दे सकते हैं जिससे हम उनके लिए क्लासरूम सेटअप कर सकें और जिसमें हम अपने पूरे योग्यता, अपनी पूरी ताकत से उसमें प्रैक्टिकल के जरिए लोगों को काम सिखाएं, ना कि बोल करके समझाएं जिसमें कि लोग बाग काम नहीं सीख पाते हैं आसानी से। इस तरह का एक सेटअप करने के लिए हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है और जो लोग दे सकते हैं सिर्फ वही लोग इसमें हिस्सा लें, बाकी जो लोग पैसा नहीं दे सकते हैं, जिनकी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कुछ भी डोनेशन, वो इसमें एक रुपया भी ना दें। तो आते हैं हम अपनी वापस वीडियो पर।